दोस्तों आज हम आपके सामने प्रदर्शित करेंगे FLM किट में मौजूद इस पैन बैलेंस का। इस पैन बैलेंस में दिए गए इंस्ट्रक्शन से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं और इस पैन बैलेंस में जिस चीज़ का हम वज़न करेंगे उसे हम अपने पास रखेंगे और इसमें क्रमशः 10 ग्राम 5 ग्राम और 1 ग्राम के 5-5 बटकारे दिए हुए हैं। इससे आप बच्चों में मापने, तुलना करने, सबसे पहले आप कम और ज़्यादा की पहचान के लिए आप दाहिने बटकरे में एक कलम देंगे और दूसरे बटकरे में आप एक पेंसिल देंगे। आप पाएंगे कि कलम का भार पेंसिल के भार से ज़्यादा है। इस कलम का भार कितना है, बच्चों से यह पूछेंगे। इस कलम का भार के लिए आप इसमें 5 ग्राम के बटकरे डालेंगे। इसके बाद बारी बारी से 1 ग्राम 3 ग्राम हम पाएंगे इसका वजन 8 ग्राम का है। क्या आप इस कलम और पेंसिल का वजन बच्चों से पूछेंगे। पेंसिल का वजन को एडजस्ट करने के लिए हम पुनः इसमें 5 ग्राम डालेंगे। हम पाते हैं कि इसका वजन 13 ग्राम हुआ। हमारे पास एक मार्कर है, क्या इस समूह के वजन के कितने बराबर होगा। 10 ग्राम 20 ग्राम यह ज्यादा होगा, इसे कुछ वजन निकाल सकते हैं। इस तीनों का वजन 28 ग्राम हुआ। अब आप दूसरे वस्तु को इसमें डालकर इसका भी वजन प्राप्त कर सकते हैं। आप पाएंगे कि इस घड़े का वजन थोड़ा ज्यादा है और ये हल्की प्रतीत हो रही है। इसमें 1 ग्राम का वजन अब और डालेंगे, यह पूरा बराबर हो गया। इसके वजन को काउंट करेंगे 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29। यह घड़ी 29 ग्राम का हुआ। इस इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का वजन कितना होगा। ऐसे इसमें 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 10, 39, 39, 10, 49, इधर 1 ग्राम डालेंगे, 2 ग्राम, 3 ग्राम, यह बिल्कुल फिट बैठ गया। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स उस तरफ 3 ग्राम है और इस तरफ 65 से 3 हट जाएगा, आपका वजन हो जाएगा 62 ग्राम।